प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा असद आज गुरुवार को झांसी में एसटीएफ की गोली का शिकार हो गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एनकाउंटर में न सिर्फ माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को मार गिराया बल्कि इस कार्रवाई में उसका साथी शूटर मोहम्मद गुलाम भी ढेर किया गया। ऐसी जानकारी है कि अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम झांसी जिले के पारीछा डैम के पास छिपे थे। जब इसकी सूचना मिली तो एसटीएफ ने तुरंत इलाके में घेराबंदी कर दी। असद और गुलाम फायरिंग करने लगे, इस पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके बाद दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में मारा गया। दोनों ही बाइक पर सवार थे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने इस एनकाउंटर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास से विदेश में बने हथियार बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। सीएम ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ ही डीजीपी स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम की तारीफ की। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने मुठभेड़ की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस पूरे मामले पर सीएम के सामने रिपोर्ट रखी गई है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।